वेलकम करता हूं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, हम आपके थ्रू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को एक अपील करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जो वर्किंग यूनिट है एग्जिस्टिंग और जो अंडर सब्सटेंशियल जाएंगी, उनके लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आज की डेट में हमारे यहाँ पे कम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो अभी काम कर रहा है, उन्होंने अराउंड 4 से 5 लाख लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो अगर इस पैकेज के हिसाब से जाएं तो कल को आने वाले टाइम में ये जो वर्किंग यूनिट हैं, ये सारे वर्किंग यूनिट बंद हो जाएंगे और इनमें जो एम्प्लॉयमेंट के जो 3-4 लाख लोग लगे हैं, ये सारे लोग हमारे जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और इसकी सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आएगी। क्योंकि आप देखिए कि हम लोग पिछले 30 साल मिलिटेंसी को झेल रहे हैं, मिलिटेंसी के होते हुए भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इस चीज़ को नज़र रखते हुए जब भी पीछे कोई पैकेज ऑफ इंसेंटिव आया है, वो पैकेज ऑफ इंसेंटिव सारा हमारे सबके लिए है। हम कहते हैं नए को भी दो और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी दो, क्योंकि एग्जिस्टिंग ने साथ साथ चलना है। आप नए को दे दोगे, पुराने को नहीं दोगे, तो कल जो नया लगेगा वो हमारे यूनिट के, हम उसके साथ कंपटीशन कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब से यूटी बनी है हमारे, तब से कश्मीर में डिस्टर्बेंस रही है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सफ़र करता रहा है। आज रोड की हालत देखिए, हम लोगों की डिपेंडेंसी सारी यहाँ पे जो है विद इन दी स्टेट है, मैक्सिमम यूनिट की है। जो बड़े बड़े यूनिट बाहर के लगे हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, पर इस पैकेज के हिसाब से तो जो एग्जिस्टिंग माइक्रो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल सेक्टर के यूनिट हैं, वो तो यूनिट सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो 1 जनवरी 2020 से स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो टोल टैक्स को रिमूव कर दिया, उस टाइम हमारे साथ ये बात की गई थी कि 15 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी कि जी हम जी जो इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, उस लोकल इंडस्ट्री को हम इसकी जगह कुछ ना कुछ उसके लिए हम उनको कंपनसेट करेंगे। पर आज 1.25 साल हो गया है, अभी तक तो हमको उस कमेटी की कोई वेयर अबाउट पता नहीं है। और आज ये जो सेंट्रल पैकेज आ गया है, इसकी वजह से आप देखिए कि आज जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्किंग यूनिट्स हैं उनमें इतनी रिसेंटमेंट है कि कल को ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर इसके लिए कि वो लोग सड़कों पे ना उतराएं। तो मेरी ऑनरेबल गवर्नर साहब से ये अपील है कि एटलीस्ट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज आया है, उस पैकेज को वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी दिया जाए सारा, और जो यूनिट अंडर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करेंगे उनको दिया जाए। इसमें एक मेजर बेनिफिट हमारा है कि 3 GST का, अगर कोई बाहर से यूनिट आता है उसको 300% आप GST प्लांट और मशीनरी के ऊपर दे रहे हैं, और लोकल यूनिट को, जो वर्किंग यूनिट को GST नहीं होगा, तो उन लोगों का आपस में कंपटीशन कैसे होगा? वो लोग तो यहाँ पे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए टोल टैक्स की वजह से हमारे यहाँ पे सबसे जो सेक्टर सफ़र कर रहा है, सिस्टम जो मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर है वो हमारा सेक्टर है, आपका स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गए, जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट बन रहे हैं, पैकेजिंग के यूनिट हैं, तो टोल टैक्स खत्म होने की वजह से हमारे आज छत्तीसगढ़ से जो स्टील को लेंगे, छत्तीसगढ़ से सरिया आ रहा है, सीमेंट जो आ रहा है यहाँ पे, सीमेंट के हमारे क्लिंकर के यूनिट जो यहाँ लगे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो लाइमस्टोन से बना रहे हैं, वो सारे सीमेंट बंद होने के कगार पे हैं। आज नया यूनिट यहाँ सीमेंट का आ जाएगा, उसको आप 28% का दे देंगे जी, 100% रीइंबर्समेंट दे देंगे, और जो लोकल यूनिट काम कर रहा है। अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा एक और आ गया है कि हमारा जो पीछे स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिए थे ना, उसमें कुछ ऐसे यूनिट है जिनका रेजिडुअल पीरियड है, वो उस पीरियड तक इंसेंटिव है। जैसे 2000 कुछ यूनिट 2021 में बंद हो जाएंगे, 2022 में बंद हो जाएंगे, उन यूनिट के लिए इसमें कुछ भी जो बेनिफिट नहीं दिया गया। तो इस चीज़ को मैं अपना मद्देनज़र रखते हुए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करता हूँ और ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, क्योंकि पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। आज पैकेज के ऊपर जब ये पैकेज बन रहा था, हम लोगों से सजेशंस ली गई, सब कुछ ली गई, पर जब पैकेज फाइनल हुआ है, हम लोगों को किसी ने इवन फाइनल करने से पहले एक बार हमारे लोगों को किसी ने पूछा भी नहीं है। अब अगर आप इसमें एक चीज़ और बड़ा जो हमारे जो डिस्टर्ब कर रही है कि आज की डेट में देखिए हमारे यहाँ पे जो स्टेट की एक्साइज पॉलिसी है, स्टेट की एक्साइज पॉलिसी में एक आप देखिए कितना इसमें एक हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट परेशान है कि एक ना यहाँ से जो हमारे ब्रिवीजी लगी हैं, जो यहाँ लोकल से माल बना के सारा माल बाहर भेजती हैं, उनके ऊपर इन्होंने जी बॉटलिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी। उस एक्साइज ड्यूटी से क्या होगा कि उनकी सेल जो स्टेट के बाहर होती, क्योंकि स्टेट में तो डिमांड ही नहीं है ना, स्टेट के बाहर जितनी सेल होती थी वो सेल सारी उनकी जो है
डिस्टर्ब हो गई। एक इसमें एक हमारा यूनिट है 100 करोड़ की, उसकी इन्वेस्टमेंट है, प्रेस्टीजियस यूनिट है, 300 लोग उसके पास काम कर रहे हैं, उसको 5-6 करोड़ रुपए साल का उसको पड़ता है जी खाली सैलरी वेजिस का। आने वाले समय में वो बंद कर देगा, 300 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फार्मा की यूनिट है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फार्मा की यूनिटों को, उनके लिए क्या है कि आपकी जो एक्साइज की उसमें उनको लाइसेंस देना होता है, एक एक साल से लाइसेंस रिन्यू नहीं हो उनके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बॉटलिंग फीस को एग्जम्प्ट किया जाए और जो लाइसेंस है उसको 5 साल का रिन्यूअल दिया जाए। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस पे। आज जितना हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर हमारी स्टेट में काम कर रहा है, उनको स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा। अभी रिसेंटली एक यूनिट होल्डर ने यहाँ जब कोर्ट किया, उसका PDD कश्मीर पावर डेवलपमेंट कश्मीर में उसका रेट जो है 2-4% ज़्यादा था, वो जिस रेट को लोस्ट रेट में देने को भी तैयार है, पर वहाँ पे जो कंसर्न चीफ इंजीनियर बैठे वो कहते हैं नहीं जी, हम तो आपको कोई ऑर्डर नहीं देंगे, हम सारा ऑर्डर बाहर भेज देंगे। जबकि स्टेट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज भी कहती है, जो अभी 2016 की पॉलिसी है, कि उसमें प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब तो हमने ये चीज़ देखा जी, UT जब बनी है, UT से पहले हमारी सुनवाई होती थी, हमारे पॉपुलर गवर्नमेंट की सुनवाई होती थी। यूटी के बाद क्या हो गया, ब्यूरोक्रेट जो बैठे हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हम कोई भी होकर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, सालों साल लग जाते हैं। हमारे कई ऐसे यूनिट हैं जिन्होंने GST के क्लेम कोविड की वजह से, जिन्होंने GST के क्लेम फाइल नहीं किए रिफंड के, उन लोगों के लिए हमने इनको बोला कि रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप हमारे को वो उसको वन टाइम एक्सटेंशन दी जाए। GST में बाकी बेनिफिट दिए गए, ये भी देनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बड़ा परेशान है। अगर मैं सर्विस सेक्टर की तरफ जाता हूँ, आज हमारी होटल इंडस्ट्री इतनी परेशान है, जो एग्जिस्टिंग है उनको कुछ नहीं है, नए को आप ले आएंगे, एग्जिस्टिंग कितने साल से सफ़र कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि एटलीस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव हैं, वो इंसेंटिव हम 3 इंसेंटिव मांगते हैं, हम ज़्यादा नहीं मांगते। हम उसमें कहते हैं कि हमको जो रॉ मटेरियल का इनकमिंग रॉ मटेरियल बाय रोड है, हमको उसका आप फ्रेट दे दीजिए। हमारे को जो टर्नओवर का 2% का, हम 2% टर्नओवर का इंसेंटिव मांगते हैं। आप इंटरस्टेट सेल पे दे रहे हैं, आप विद इन द स्टेट पे दे दीजिए, क्योंकि विद इन द स्टेट में टर्नओवर का इंसेंटिव नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो लोग इंटरस्टेट सेल करना चाहते हैं, उन लोगों में भी राइडर लगा दिया गया जी कि 2016-17 की सेल पे, क्यों? हम चाहते हैं कि एट पार सबको दिया जाए, टर्नओवर का भी इंसेंटिव आप इंटरस्टेट को भी दो, मार्केटिंग की सपोर्ट, बाहर आपका माल जाएगा, बिकेगा। तो ये जो मुद्दे हैं, सारे हमारे मुद्दे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ मेंशन किया है, तो प्रेस रिलीज में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से अगर ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी पहुंचती है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती है, तो उसके लिए जो है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जरूर हमारी बात सुनेगी, हमारे को जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे।